देखिए गाइस, जो व्हाइट वाला जो देख रहे हो ना आप बाउंड्री, ये गोरखनाथ मंदिर का ही बाउंड्री है और इस पर अभी मेला चल रहा है। तो हो सकता है कि रात में लोग मेले में भी जाए, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा पूरा जाम लगा हुआ है आगे में। तो रात में अगर होता है तो हम लोग जाएंगे, ज़रूर जाएंगे मॉल मेले में, आप वहाँ पर देखेंगे। ये गाइस देखिए जाम कितना है। मंदिर का एंट्रेंस ही है वाला, इसी के अंदर मेला चल रहा है। गाइस ये आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्हीं का मंदिर है। आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनका घर भी यहाँ पे है और इसी मंदिर के वो महंत हैं, महाराज जी कहा जाता है गोरखपुर में। गाइस यहाँ के जो SHO होते हैं उनकी भी गाड़ी यहाँ पे फंस गई है, वो भी मतलब पुलिस वाले होते हैं उनकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है यहाँ पे, इस वाली गाड़ी में, ब्लू वाली गाड़ी में। पापा का ऑफिस पहुंच चुका हूँ, फिर पापा के ऑफिस के सामने ही जो है ये जो मॉल है, ये है AD मॉल, और इसमें स्क्रीन भी लगा हुआ, NDTV चल रहा है अभी दिख रहा है, और मेरे पापा का ऑफिस जो है वो रहा। अभी ट्रांसपोर्ट नगर में आ गए हैं और यहाँ पे जो हमारी गाड़ी का टायर पंचर था वो हो गया, दे दिया। तो गाड़ी जो हमारी गाड़ी का टायर जो पंचर था वो हम लोग यहाँ पे लेने आए हैं, और चलिए लेने चलते हैं। मम्मी यहाँ पे फल ले रही है, मेरे पास यही है। चाउमिन अभी खा लूँगा 20 रुपये का, गाड़ी से सोचा कि मैं 20 रुपये का चाउमिन खा लेता हूँ, खाने दो ना, तो खा ले अभी, तो यहाँ पे तो खाना ही होगा ना। गाड़ी चले चाउमिन खाते हैं, थोड़ा गरम गरम चाउमिन यहाँ पे बन रहा है, ये आप दीजिए, आज गरम गरम चाउमिन बन रहा है यहाँ पे, तो वही खाएंगे। लोग टायर की शॉप पे आ चुके हैं और अभी हम लोग टायर ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे टायर पड़े हैं, बहुत सारे गाड़ियों के हैं, तो इन्होंने बताया मुझे 80-55-13 तो वही टायर। देखिए हमारी गाड़ी का टायर आ गया है, सेकंड हैंड टायर। गाइस ये भी हमारी गाड़ी का टायर है, ब्रिजस्टोन का। क्या चीज कंपनी बता रहे, ब्रिजस्टोन का। अच्छा टायर सही है ना भैया, टायर 10-12 हज़ार किलोमीटर चल चुका है, उसका दाम यहाँ पे 900 बता रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है। अभी मैंने पूछा एक टायर वाले से, तो ये 400-500-600 में मिल जाता है अच्छा टायर, तो वही वाला टायर देखते हैं अभी, उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो जाके देखेंगे अभी क्या करना है। गोरखनाथ मंदिर के मेले में आ चुका हूँ, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मेला चल रहा है यहाँ पे, तो अभी आपको मैं मेला का पूरा वो दिखाता हूँ। सामने ये पूरा मंदिर है, पूरी दुकानें सजी हुई है यहाँ पर इस साइड में, ये खाने का दुकान है ऊपर में, और ये रही मेरी मम्मी। मेला करीब 1.5 महीने अभी और चलेगा, होली जब तक नहीं आएगी तब तक ही चलेगा, होली के दिन शायद से आखिरी है और उसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला मेला। यहाँ से दूर पे आपको ये सब झूले भी दिख रहे होंगे, अभी इस झूले पे भी चलेंगे। गाइस मेरी मम्मी जो इतना दिन से आ रही है, मेला इतना दिन से चल रहा है और मम्मी आज तक कभी आई नहीं है, मेरे साथ ही पहली बार आ रही है। गाइस को खाने का देखिए, गाइस को खाने का भी देखिए, अरे गाइस मुंह में पानी आ रहा है मेरे यार। मम्मी ये सब क्या है, मम्मी इतने बड़े बड़े भटूरे हैं क्या? कैसे आपको तो इतने बड़े बड़े भटूरे तो नहीं होंगे, भटूरे तो ताला वाला बनते क्या है इसका? मेरठ की मशहूर वहाँ से एक आदमी जो है मेरे को इशारे कर रहा है उधर जाने के लिए, उसकी दुकान की खरीदारी करने के लिए, पर अभी मेरा मन नहीं है, अभी पहले मैं पूरा घूमूंगा उसके बाद ही खरीदारी करूँगा। भैया ये सब क्या है, खाजा है? अच्छा गए जिसको मैं भटूरे समझ रहा था ना, वो सब खाजा है, दूर से भटूरे समझ रहा था।
लग रहा था पर खाजा अभी है, अभी मम्मी आती ना तो लेता हूँ थोड़ा सा। मतलब प्राइस क्या है, दाम क्या है इसका? खाजा नहीं नहीं दाम 100 रुपए का है। 100 रुपए का है। अच्छा ये 50 वाला है गैस, ये 100 वाला है, वो 120 वाला है गैस। नमकीन वाला भी खाजा जो कि 40 का है, तो अभी मम्मी आती है उसका लेता हूँ एक खाजा, देखता हूँ कैसा लगता है खाने में। अगर लगेगा तो अच्छा ही लगेगा, ये शायद नमकीन वाला मुझे लग रहा है। यहाँ मुरब्बा मिल रहा है, मतलब आम वाला भी है और मुरब्बा जो होता है वो भी है, बहुत सारा आइटम है यहाँ पर। टाइम आया था तो इस वाले दुकान पे मैंने खाया था, बल्कि एक मीठा सा गुजिया आप लोग शायद से जानते होंगे, वो यहाँ पे मैंने खाया था, इसी दुकान पर खाया था। पर आज देखिए, आज ये दुकान जो है एक्सपेंड कर गया, मेला है आज। इसमें असली जो रोमांचक जगह है वो मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे झूला है और झूला काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और रेस्टोरेंट देख के तो मेरा एकदम, अभी मैं खाना खा के आया तब भी मेरे को लग रहा है कि अभी और खा लेता हूँ यहाँ पे फास्ट फूड, पर अभी खाऊंगा नहीं, अभी पहले पूरा घूमूंगा उसके बाद फिर देखूंगा रात में कि मन है कि नहीं। पर अभी देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बस, ये देखिए गाइस, ये वाला जो झूला जो है इसकी से मैं हमेशा बैठना चाहता था, मतलब ये अभी तो बहुत ऊँचा है। असल में इससे भी एक ऊँचा झूला आता है, उस पर मैंने बैठा था वो भी बचपन में, पर अभी जो है इससे बैठने से डर लगता है क्योंकि तेज़ बहुत चल रहा है ये झूला। ये देखिए आप, वैसे भी मम्मी को पानी पूरी खाना है यहाँ। मम्मी इतना बहुत सारी चीज़ मिल रहा है तुमको, सिर्फ पानी पूरी खाना है यहाँ पे? बोलो मम्मी। पानी पूरी खा के मजा आ गया, अब मम्मी से पूछते हैं मम्मी एक बार मैं चाहता कि मम्मी को मैं इस झूले पे ले जाऊँ, बट मम्मी चलो ना एक बार, क्यों मजा आएगा, चलो इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा नहीं खाता आपको मैं ये। मम्मी बहुत कुछ है यहाँ पे, ये सब देखिए 40 रुपए में आपको ब्रेक डांस इसको कहते हैं, बहुत मजा आता है इसमें और इससे भी काफी मजा आता है इस वाले में। मम्मी इस वाले में चलो ना, मम्मी इस वाले में गाइस में जाता हूँ। मम्मी एक बार, मम्मी डर रही है इन सब में जाने में, तो मेरे को बहुत मजा आता है गाइस, चक्री हुआ, ब्रेक डांस हुआ, और उससे ज़्यादा तो स्विम वाले झूले में मुझे ज़्यादा मजा आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रैगन को देखिए आप, कितना ऊपर जा रहा है ये ड्रैगन, इसमें तो और भी खतरनाक मजा आता है। ये देखिए कैसे हिल रहा है, बंदूक का निशाना लगाते हैं अब यहाँ पर लगाएंगे बंदूक का फायरिंग, निशाना कितना एक छोड़ दिया मैंने। मैक्सिमम जो है शॉर्ट लगे हैं और एक हो सके ना भी लगा हो, बट क्या कर सकते हैं अभी। अभी थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था, उस समय थोड़ा सा मम्मी ने कैमरा बंद कर दिया, इस वजह से मैं लगा नहीं पाया। यही बच्चे यहाँ पे, ये पुलिस इसको है ना अनाउंसमेंट करवाने ले जा रही है अपने एरिया में। बस यहाँ पे मेरा घर ऐसे बगल में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे खोते हैं, तो अभी दोबारा खो गई बच्चे। अच्छा चलो आलू टिक्की खाने के लिए, अभी चलो आलू टिक्की खाते हैं, ठीक है यहाँ पे आलू टिक्की खाते हैं यहाँ पे। भैया आलू टिक्की कर दीजिएगा, मैं छोले वाला खाऊंगा मजा से। अभी मैं झूले पे जाने वाला था
हमारा बन गया काफी गर्म चाट खा तो मजा आ गया। मीन्स की मैंने बहुत दिन बाद खाया क्योंकि अहमदाबाद में ऐसा मिलता नहीं है और बहुत दिन बाद खाया यार। यहाँ चलने में मुझे को डर लग रहा है कि कहीं टूट टूट ना जाए कहीं, बट कोई नहीं इतना तो सही सकते हैं थोड़ा सा। यही गाड़ी है जो कि उसके ऊपर भी घूमती है, अभी घूमेगा थोड़ी देर में। अक्षय कुमार की फिल्म याद आ रही है, दूसरे भी एक कोई मूवी थी उसमें भी ऐसे ही कुआं था उसमें गाड़ियाँ चलती थी। देख के मुझे को बहुत मजा आया। मीन्स कि मतलब कि ये अलग ही लेवल पे चल रहा था। गाइस टैलेंट बहुत ज़्यादा उन लोग में। मीन्स कि इस टाइप की स्लाइड पे और इतनी तेजी से गाड़ी घुमा रहे थे, इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है वो सब। मतलब उन लोग को बहुत ग्रेट सैल्यूट है कि वो लोग ऐसा करते हैं, मतलब कि सही है। फास्ट फूड ही खाऊंगा फिर यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा फास्ट फूड है। मन हो गया थोड़ा सा मूँगफली खाने का, तो रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं मूंगफली लेने जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अभी बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसके लिए एक मस्त सा जैकेट डाल लिया अपने ऊपर। और नीचे में जो है मेरे ड्रेस को देख के आप मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ बिल्कुल भी। अभी चलिए चलते हैं मूंगफली लाते हैं, और हो सकता है कि वो चोरी से मम्मी को मैंने बताया भी नहीं है, उस पर मैं मोमोज़ भी खा लूँ थोड़ा सा, क्योंकि मोमोज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट पार्ट है हमारे फ्लैट का यहाँ से जो है इस वाली खिड़की से डायरेक्टली एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी हवा। ये भी कि हमारा फ्लैट जो है 6th फ्लोर पर है, ये पूरा बिल्डिंग जो है 7th फ्लोर का है, तो हम 6th फ्लोर पे हम एंड पे रहते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी ठंडी है, बहुत ठंडी है। तो अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रात में 12 बजे 1 बजे के आसपास जब आप बालकोनी में चले गए, 100% बोल रहा हूँ ना, आपको ठंड लग जाएगी। फ्रेंड्स मैं नीचे अपनी बाइक ढूंढ रहा हूँ, पापा ने पता नहीं कहाँ बात कर दी है, मुझे मिल ही नहीं रही है बाइक अभी, देखना शायद इधर कहीं। गाइस फाइनली जो है हमारी बाइक मिल चुकी है। असल बहुत गंदी हो गई है बाइक को साफ करने, बाइक में है ना भूत घुस गया है, पता नहीं क्या अपने आप ही कुछ भी कर रहा है। ये देखिए तो कितना बता रहे हैं, 20 रुपये का 100 ग्राम। हाँ दे दीजिए, 50 रुपये का ही दे दीजिए, है ना अंकल। हाँ गाइस यही वाला मुझे जो बादाम है काफ़ी अच्छा लगता है खाने में मुझे, इसलिए मैं रोज़ रात में मैं रोज़ खा रहा हूँ। जब से यहाँ पर आया, मतलब मैं परसों भी लिया था, कल भी लिया था, और आज भी लेने आया कि ठंड में, क्योंकि ये वाला जो है ना कि अहमदाबाद में मिलता नहीं गुजरात में, यही भी मिलता है। इसके बाद एक ग्रीन चटनी मिलती है जो कि इससे भी टेस्टी होती है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो चटनी अभी। अंकल अभी पैक कर चुके हैं अभी ये, और ग्रीन चटनी की इनमें से दोनों में किसी एक में ग्रीन चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए अंकल निकाल रहे हैं, ये कौन सी चटनी है, लहसुन है, आदी है, मिर्चा है। अच्छा ये लहसुन आदि मिर्चा की चटनी है, और ये जो है हरी वाली मिर्चा है। ये पूरा खाने में अच्छी लगती है, पूरा खाने में अच्छी लगती है। अंकल बता रहे कि इनके यहाँ पे बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं
तो मैं भी बहुत दूर से ही आया हूँ, मैं भी गुजरात से आया हूँ यहाँ पे खाने के लिए, बट अभी तो मैं अपने घर से आया हूँ भी, पास में ही मेरा घर है यहाँ से, करीब 1 किलोमीटर घर है मेरा। एक जगह जो है थोड़ी रबड़ी और थोड़ा लस्सी का शॉप था, तो वहाँ पर मैं थोड़ा 2 मिनट में रुका। तो वहाँ पर बहुत लोग एक बर्तन में कुछ पी रहे थे, तो मैं भी गया वहाँ पर उनको पूछने के लिए क्या है, तो बता रहा है नॉर्मल दूध, और मैंने पूछा कि क्या रेट है, तो सिर्फ नॉर्मल दूध का रेट था 25 रुपये। तो मेरा दिमाग फटक गया और मैं बोला कि भैया रहने दो, अपनी बाइक पकड़ के वापस घर आ गया। तो होप करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये वाला ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। इससे क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोज़ बनाने का मन होता है। तो गाइस प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।